गुमला जिले के 3 प्रखंड गुमला, घाघरा और बिशनपुर में द्वितीय चरण के तहत गुरुवार को 3 बजे मतदान का कार्य संपन्न हुआ। इस दरमियान कहीं से अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। वहीं मतदान कार्य संपन्न कराने के बाद कार्तिक उराव महाविद्यालय गुमला में बने स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को जमा करने का सिलसिला आरंभ हो गया है। संभवतः देर रात सभी मतपेटियों के जमा होने के बाद स्ट्रांग रूम में प्रत्याशियों और अधिकारियों की निगरानी में उसे सील किया जाएगा। चुनाव के बाद मैदान में खड़े सभी प्रत्याशियों को किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। मौके पर मौजूद सदर SDO रवि आनंद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से द्वितीय चरण का मतदान सम्पन्न हुआ, मतपेटियों को जमा करने का सिलसिला आरम्भ हो गया है। द्वितीय चरण का मतगणना कार्य आगामी 22 मई को होगा। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी 3 प्रखंड के मतदाताओं सहित अधिकारियों और आमजनों के प्रति आभार प्रकट किया। पंचायत आम निर्वाचन 2022 के निमित्त आज द्वितीय चरण का मतदान गुमला प्रखंड, घाघरा प्रखंड और बिशनपुर प्रखंड में शांतिपूर्वक तरीके से सम्पन्न किया गया है। जितने भी मतदाता मतदान कर रहे थे वो वापस यहाँ रिसीविंग सेंटर पर आकर अपने अपने मतपेटिकाओं को जमा कर रहे हैं। किसी भी बूथ से, किसी भी केंद्र से किसी भी प्रकार की अनुभवी घटना की समस्या नहीं प्रकाश में आई है। तो अंततः यही कहा जा सकता है कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो चुका है और हम लोग रिसीविंग करके सभी पक्षों को स्ट्रांग रूम बंद करके सीधे लगभग 3 जगहों पर चुनाव हुए। सर क्या परसेंटेज गया है? फाइनल परसेंटेज का डेटा अभी आ रहा है, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 60 से ज़्यादा प्रतिशत का मतदान जहाँ तक अभी सूचना मिली है हुआ है। फाइनल डेटा आपको कुछ दिन में बता दिया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।